राम मंदिर की हजार साल आयु पर सवाल। राम मंदिर निर्माण के लिए टेस्टिंग में फेल हुए पिलर। 700 टन का लोड डालते ही धस गए पिलर। भूकंप के झटके देते ही लचक गए पिलर। हजार साल आयु की नहीं दे रहा कोई गारंटी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय ने संतों को दी बड़ी जानकारी। मंदिर के हजार साल की आयु कोरी कल्पना। करीब 500 सालों के संघर्ष के बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के 4 महीने पूरे होने के बाद भी अभी तक राम मंदिर निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने संतों को राम मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बन रहे राम मंदिर के हजार साल की गारंटी कोई नहीं दे सकता। मंदिर के हजार साल की आयु को कोरी कल्पना ही कहा जा सकता है। अगर 300 से 400 वर्ष की गारंटी भी मिल जाए तो हम निर्माण के लिए सहमत हैं। हजार साल आयु की नहीं दे रहा कोई गारंटी। दरअसल मंदिर की नींव को लेकर हो रही लेट लतीफी से देश की प्रतिष्ठित भवन निर्माण संस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देश भर के विशेषज्ञों ने राम मंदिर के लिए हजार वर्ष की लिखित गारंटी देने में हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं मंदिर के लिए बनाई गई टेस्ट पाइलिंग पहले ही फेल हो चुकी है। टेस्ट पिलर पर लोड डालने के बाद जैसे ही भूकंप जैसे झटके दिए गए, उनमें दरारें आ गई और वे लचक गए। कंक्रीट के खंभे 700 टन का लोड डालते ही धस गए। मंदिर की आयु बढ़ाने के लिए सीमेंट में अभ्रक, कोयले के साथ कुछ अन्य केमिकल मिलाने पर विचार चल रहा है और इसे देखते हुए ट्रस्ट ने नए सिरे से तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मंथन शुरू कर दिया। मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने L&T और टाटा कंसल्टेंसी को सौंपी है। इसकी मजबूती के लिए विशेषज्ञों की 8 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है, लेकिन कोई भी हजार साल तक सुरक्षित रहने वाले मंदिर की गारंटी देने को तैयार नहीं है। 32 सीढ़ियां चढ़कर होंगे रामलला के दर्शन। डिजाइन के अनुसार मंदिर की 32 सीढ़ियां चढ़कर रामलला के दर्शन होंगे। इस कार्य में 16,000 घन फीट पत्थर लगेंगे। इसके लिए 16.5 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ये 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा होगा। प्लेटफॉर्म में भी पत्थरों का इस्तेमाल होगा। जिस खान से ये पत्थर आने हैं उसका भी चयन हो गया है। राम मंदिर नींव का निर्माण जनवरी में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है और ट्रस्ट ने नींव की मजबूती पर नए सिरे से तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मंथन शुरू कर दिया है। उधर श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए श्री राम भक्तों का भरपूर सहयोग लिया जाएगा। श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में अभियान चलाएगी। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के इस अभियान की शुरुआत मकर संक्रांति से शुरू होगी और माघ पूर्णिमा तक जारी रहेगी। श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूरे देश में श्री राम भक्तों के घर घर जाएंगे और मंदिर के भव्य निर्माण के लिए देश भर के प्रत्येक श्री राम भक्त से सहयोग लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।